नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट सेंस स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। घर का निर्माण कराते समय यदि वास्तु के अनुसार दिशाओं का ध्यान रखा जाए और उसी शास्त्र के अनुरूप ही घर का निर्माण कराया जाए तो यह घर बहुत ही सुखदायी और प्रगतिशील होता है। वास्तु के अनुसार पूरे घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान ईशान कोण होता है। इस दिशा में थोड़ी सी भी चूक घर में पारिवारिक सदस्यों को परेशान करके रख सकती है। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि ईशान कोण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले जानेंगे कि ईशान कोण में क्या करना चाहिए। घर के ईशान कोण में पूजा स्थल या मंदिर का निर्माण करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस स्थान पर भगवान का वास होता है, इसलिए इस स्थान पर की गई पूजा या धार्मिक कार्य का पुण्य फल बहुत जल्द प्राप्त होता है। इससे घर की सुख समृद्धि बनी हुई रहती है। ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। ईशान कोण जल के स्रोत के लिए भी उत्तम होता है, इसलिए इस स्थान पर कुआं, बोरिंग, मटका आदि का होना सर्वोत्तम होता है। बच्चों की पढ़ाई का कमरा हमेशा ईशान कोण में ही होना चाहिए। इससे बच्चों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित होता है। ईशान कोण में तुलसी का पौधा या केले का पौधा लगाना चाहिए तथा इसका पूजन भी करना चाहिए। अब आपको हम बताएंगे कि ईशान कोण में आपको क्या नहीं करना है। घर के ईशान कोण पर शौचालय नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से शारीरिक और मानसिक कमजोरी बनी रहती है, जिसके चलते इलाज में जमा पूंजी खर्च हो जाती है। घर के ईशान कोण पर नव दंपत्ति का बेडरूम नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मनमुटाव बना रहता है। ईशान कोण पर यदि कोई भारी चीज नहीं रखनी चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रुक जाता है। इसके अलावा ईशान कोण में कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।